हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज का जो मेरा वीडियो है वो है रूट बाउंड को आप कैसे हटा सकते हैं। देखिएगा, मेरे पास ये जो प्लांट है इसमें कितना भयानक तरीके से रूट बाउंड हो रखा है। ये गुड़हल का प्लांट है और इसमें देखिएगा, काफ़ी टाइम से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। मैंने इसमें कटिंग भी कर दी, फर्टिलाइज़र भी दे दिए मैंने इसमें, लेकिन इसमें कोई जो है फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मैंने कहा आज मैं इसको चेक करती हूँ। तो मैंने इसको चेक किया, एक ये वाला था और एक ये वाला, सॉरी ये वाला। तो मैंने इसको निकाल के देखा, इसमें रूट बाउंड हो रखी थी, तो मैंने इसको वापस लगा दिया। मैंने कहा इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिएगा, अभी अभी मैंने इसको पॉट में से निकाला है, देखिए इसमें रूट बाउंड हो रखी है। अब हम इसकी रूट्स को थोड़ा साफ़ करके और फिर इसको वापस पॉट में लगाएंगे। अभी मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे पास फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं होंगे, तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें बाद में यूज़ करूँगी, जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल हैं, किचन वेस्ट से जो निकलते हैं। तो ऐसे अभी इसमें मिलाने के लिए, मेरे पास सॉइल के लिए, प्रॉपर सॉइल मिक्सचर के लिए मेरे पास अभी कुछ भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सॉइल, गार्डन सॉइल में मैं इसको दोबारा प्लांट करूँगी। देखिएगा, मैंने इसमें जितना भी मिट्टी थी वो मैंने सब हटा दिया है इसके अंदर। ये देखिए, थोड़ी ब्रांचेस भी इसकी टूट गई हैं, मैं हटा दूंगी कुछ तो भी। मैं इसको ब्रांचेस भी थोड़ी सी मैं इनकी साफ़ करूंगी, वो मैं बाद में देखती हूँ। थोड़ा ब्रांच भी कट करेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो रखा है, जब भी बहुत टाइम से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि आज इसको चेक करते हैं। तो मेरे पास बड़ी वाली कैंची तो नहीं है गार्डन की, यही है जो जनरली हम यूज़ करते हैं घर पे। तो मैं इसी कैंची को यूज़ करके और इसकी थोड़ी रूट्स को जो है वो मैं हटा देती हूँ। मैंने एक वीडियो ऐसे रूट बाउंड का पहले भी बनाया था, 1 ईयर पहले, और वो मेरा था पैशन फ्लावर राखी बेल के लिए, उसमें भी रूट बाउंड हो गई थी। लेकिन अब जो है वो 1 ईयर के बाद अब जो है उसमें फ्लावरिंग इस ईयर काफ़ी, एक तो बेल भी बड़ी हो गई और उसके अंदर जो है फ्लावरिंग भी अच्छी चल रही है। देखिएगा, मैंने बहुत सारी रूट्स तो साफ़ कर दी हैं और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसकी रूट्स को हटा देती हूँ, क्योंकि रूट सिस्टम तो देखिए दोबारा डेवलप हो जाएगा। ये थोड़ा इसको मैं हटाऊँ, क्योंकि ये ठीक नहीं है। देखिएगा, मैंने इसके रूट्स को साफ कर दिया है। फर्टिलाइजर मेरे पास ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो जो है उसके साथ ही मैं सॉइल के साथ ही इसको दोबारा प्लांट कर रही हूँ। एक मैं इसकी बॉटम ब्रांच को हटाना चाहती हूँ, ये मैंने हटा दिया, हाथों से ही हटा दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा बॉटम से क्लियर कर दूँ। तो ये प्लांट जो है वो मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरा स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर की मैरिज थी, तो उसने अपने सिस्टर की मैरिज में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वहाँ से ये जो है मुझे प्लांट मिला था गिफ्ट में। देखिए, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये बात हो गई 7-8 ईयर पुरानी। ये देखिए, अब जो है हम इसको इसमें प्लांट कर देते हैं। देखिए इतना रूट बाउंड हो गया इसका, तो बॉटम में जो छेद है वो भी ये बंद हो गया, होल इसका। देखिए कितनी रूट्स बाहर आ गई,
और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया इस प्लांट पे। इसके लिए देखिए कितना रूट बाउंड हो रखा है। बॉटम में इसको ये अपन हटा देते हैं, होल ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें हम प्लांट लगा देते हैं दोबारा से। ये देखिए थोड़ा सा पहले हम इसमें सॉइल मिक्स कर देते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ये सरसों खली है, मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसमें सॉइल फिल कर देते हैं। का टाइम है, बहुत गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन सीजन ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा बारिश हो रही है दो दिनों से। तो नेचर भी जो है अपने आप को बैलेंस कर ही लेता है। हमने नेचर को इतना हार्म किया है कि अब देखिए मई में जहाँ पे बहुत धूप पड़नी चाहिए उस टाइम बेमौसम बारिश है और तूफान। कल इतना तूफान आया, हवाएं 40 किलोमीटर स्पीड से जो थी वो आंधी तेज चल रही थी और मेरे 2-3 गमले जो हैं वो हवा में गिर के टूट गए, तो बहुत लॉस हुआ मुझे। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि टूटे हुए गमले देखना तो किसी को भी खुशी नहीं होगी। मैं वीडियो शेयर भी करती आपके साथ तो आपको भी खुशी नहीं होती उस चीज़ की, तो फिर मैंने उसका तो वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि तो कोई मतलब नहीं था। अनहैप्पी थिंग्स, तो मैंने उनको रिपॉट कर दिया, दूसरे गमलों में लगा दिया मैंने उनको। लेकिन इतनी तेज आंधी चली कि मन बहुत दुखी हो गया सुबह जब देखा मेरे 2-3 गमले टूट गए, प्लांट जमीन पे पड़े हुए थे। फिर मैं अभी छत पे आई ये गार्डनिंग के लिए थोड़ा सा, तो मैंने देखा छत पे मंकी आ गए, तो मैंने खरबूजे की बेल लगाई है तो उसमें खरबूजे लग रहे थे। देखिए ये मंकी एक खरबूजा तोड़ के वो बैठा बैठा खा रहा था। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने खरबूजे की बेल लगा रखी है। और ये देखिए खरबूजा भी आ रहा है। तो एक खरबूजा तो ये देखिए इतना बड़ा है, वो बंदर की नजर में नहीं आया तो देखिए ये बच गया और एक खरबूजे का लॉस हो गया। आप देखिए छोटे छोटे खरबूजे तो और भी आ रहे हैं इसमें। मैं उनको भगाने के लिए फटाफट आई क्योंकि मुझे था ये आम खा जाएंगे, यहाँ पे आम लग रहे हैं, एक इधर है, यहाँ पर है चीकू, तो मुझे था कि कहीं वो बंदर ये नहीं खा जाए। लेकिन वो एक खरबूजा इसमें से तोड़ ही दिया उन्होंने। यहाँ पर मैंने तोरई लगा रखी है, ये देखिए ये बच गई। मैं तो बोलूँगी उनके हाथों बच गई, तो उनकी नज़र में नहीं आई, नहीं तो ये वो भी खा जाते। ठीक है ना, एक तुरई यहाँ पर भी लग रही है। तो ये जो है वो हमारा बड़ा लॉस करते हैं कई बार, बंदर हैं कुछ, कईयों के गार्डन में गिलहरी हैं वो खा जाते। इसमें लौकी ये उसमें तुरई की बेल में जो है वो थोड़ी चींटियाँ भी आ गई थी, तो उसके लिए फिर सर हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, उनके यूट्यूब चैनल का नाम है सिंपल
गार्डनिंग विथ आर्ची इमेज इफेक्ट। तो सर मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं गार्डनिंग के लिए, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब में। मेरे को हॉबी है गार्डनिंग करने की, लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उनसे राय लेती रहती हूँ। तो सर ने मुझे बताया, मैंने कहा इसमें चींटियाँ आ गई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया आप हल्दी यूज़ करिए। तो देखिए मैंने हल्दी यूज़ करी है, थोड़ी नीचे भी गिर गई है। तो देखिए अब उससे थोड़ी चींटियाँ देखिए कम है, पहले तो ये पूरी चींटियों से ही भरा हुआ था, ये पूरा चींटियों से भरा हुआ था, फ्लावरिंग है और इनके पत्ते हैं। अब देखिए चींटियाँ गायब हैं, अब थोड़ा बहुत आपको यदि दिखेंगे तो, लेकिन देखिए ये देखिए पूरे पत्तों पे से चींटियाँ गायब हो गई। तो मैंने हल्दी जो है उसको पूरे यहाँ पर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, खरबूजे में भी आ गई थी, इधर देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको चींटियाँ नज़र नहीं आएंगी। मैंने इसके ऊपर हल्दी स्प्रेड कर दी थी, तो उसके लिए मैं सर को थैंक्स बोलूँगी, जिनका यूट्यूब चैनल है सिंपल गार्डनिंग विथ आर्ची इमेज इफेक्ट। थैंक्स सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये देखिए मैंने यहाँ हल्दी स्प्रेड कर दी, तो चींटियों से ये प्लांट अब बच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।